अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक ने कहा है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल है जिससे वे एक महीने के अंदर अमेरिका पर हमला कर सकता है। डायरेक्टर माइक पॉम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी खुफिया एजेंसी लगातार प्योंगयांग और उसके नेता किम जोंग उन से संभावित खतरों पर चर्चा करती है। उत्तर कोरिया शायद ही ऐसा करे क्योंकि इसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरा खत्म हो जाएगा, यह मालूम है उसको, लेकिन इसके कारण पड़ोसी दक्षिण कोरिया और जापान को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। माइक पॉम्पियो ने हेडक्वार्टर्स में इंटरव्यू के दौरान कहा, हम उनकी एक महीने के अंदर अमेरिका पर परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा काम अमेरिका के राष्ट्रपति तक इस बारे में खुफिया जानकारी पहुंचाना है ताकि उनके पास इस जोखिम को गैर कूटनीतिक तरीके से कम करने के विकल्प हों। पॉम्पियो ने यह भी माना कि उत्तर कोरिया पर दबाव डालने के नतीजे के तौर पर इस क्षेत्र में जीवन को भयंकर नुकसान हो सकता है, जहाँ अमेरिका के दो अहम सहयोगी देश जापान और दक्षिण कोरिया भी हैं। पॉम्पियो ने कहा कि अगर किम को हटाने की कोशिश हुई या फिर अमेरिका पर परमाणु हमले की उसकी क्षमता को सीमित करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के पहले ही साल में प्योंगयांग के साथ तनाव को बढ़ाया, इसमें दोनों देशों के नेताओं के एक दूसरे पर निजी हमले भी शामिल हैं। ट्रंप ने वादा किया था कि अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम नहीं लगाता है तो उसको इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसके अलावा किम ने भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुष्ट और सठियाया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। पॉम्पियो ने कहा कि उत्तर कोरिया के लिए राष्ट्रपति ट्रंप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह प्योंगयांग सुन रहा है। पॉम्पियो बोले, जब आप एक राष्ट्रपति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते देखते हैं तो इसको सुनने वाले कई लोग होते हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किम जोंग उन यह संदेश समझते हैं कि अमेरिका गंभीर है। दोनों देशों के नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ने के बाद उत्तरी कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट भी किए जिसने पश्चिम में चिंताएं बढ़ाई है और तनाव पैदा किया। उत्तर कोरिया ने साल 2017 में कम से कम 20 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिनमें से 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों के जारी रहने की वजह से उस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।